बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद सोनू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है जनाब, आज हम एक नई ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो के साथ हाजिर हैं। बहुत खूबसूरत सा जिंक कलर का ड्रेस है। जिंक कलर आजकल फैशन में बहुत बहुत इन है। ठीक है जी, वो भले से आप लॉन में लो, किसी भी मतलब उसमें जो है ना, जिंक कलर बहुत बहुत ज़्यादा इन है। मस्टर्ड कलर, जिंक कलर, ये कलर्स काफ़ी जो है ना वो इन है। ठीक है जी, तो ये चेक कर लीजिए, अपनी ड्रेस की तरफ चलते हैं। बहुत खूबसूरत से ये ड्रेस है, कैम्ब्रिक का ये ड्रेस है। ठीक है, विंटर कैम्ब्रिक का। इसमें सबसे पहले आप इसकी नेक चेक कर लीजिए, इस तरह से इसकी नेक आ गई है। इसमें बारीक सी पाइपिंग हुई हुई है, देखिए नेक आ गई है, नेक में हमने बारीक सी पाइपिंग हुई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से पूरी पाइपिंग लगी हुई है। आप चाहें तो इसमें मतलब इसमें वो बटन वगैरह भी यूज हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, कस्टमर खुद लगाएंगे अगर लगाना होगा तो। ठीक है जी, ये पैनल स्टाइल में बना हुआ है और ये सारा ब्लॉक प्रिंट है। और ब्लॉक प्रिंट इसका देखिए बहुत खूबसूरत है। इसका ब्लॉक प्रिंट जो है ना, वो थोड़ा सा रस्ट कलर या कहना चाहिए, हाँ थोड़ा सा रस्ट टाइप का सा जो शेड होता है ना, वो कलर के इसके अंदर सारी ब्लॉक प्रिंट है। देखें बहुत बहुत हसीन लग, इसका ब्लॉक प्रिंट है। ठीक है जना, इस तरह से पूरा इसमें ब्लॉक प्रिंट है। ऊपर से इसमें नेक नहीं थी, इस तरह पैनल स्टाइल में ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। इसका दामन आ गया है। दामन के बाद हमने यहाँ पर ये देखे दामन में ये डिज़ाइनिंग करी है, इस तरह से स्टेप्स बनाई हैं और ये फिर इस स्टेप से बना के लगाए हैं। इसके ऊपर आप चाहें तो पर्ल्स वगैरह इसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए इसमें पर्ल्स अटैच कर सकते हैं, स्टोन्स लगा सकते हैं, कुछ भी मतलब इसको आप एम्बेलिश कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। मैंने नहीं किया, उसके पीछे ये रीज़न था कि मतलब ये फिर थोड़ा सा जो है ना कैजुअल ड्रेस है, तो ये फिर चुपते हैं मतलब थोड़ा इरिटेट करते हैं, तो ये इस वजह से जो है ना मैंने इसके अंदर अटैच नहीं करे। और ये वैसे मैं इसका डिज़ाइन भी ट्यूटोरियल भी इसके शेयर करूँगी। ठीक है जी, आप ये देख लीजिए, आप ये इसका दामन आ गया। दोबारा से इसमें बॉर्डर था वो नीचे अटैच कर दिया है और ये लेस लगा दी है, जो मैंने एक अपने एक और ड्रेस में ये लेस दिखाई है। ये देख लीजिए, ये ड्रेस का मुझे वो जो ये लेस है ना, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगा। एक अंगूरिया वाली लेस है, देखें इस तरह से बहुत खूबसूरत। तो मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस में ये लेस यूज़ करी है, बहुत प्यारी लग रही है ये लेस। इसकी स्लिट्स में भी ये लेस लगी हुई है और नीचे से मैंने सॉरी पलटावा पट्टी जो है ना वो मैंने यूज़ करी है इस कलर की। कॉटन फैब्रिक है ये, तो इसलिए इससे थोड़ा सा इसका कलर का वो आ रहा है शाइनिंग की वजह से। बैक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है, चेक कर लीजिए इस तरह से, बिल्कुल सिंपल इसकी बैक साइड है। राउंड नेक है, नीचे दामन आ गया है, दामन इसका ब्लॉक प्रिंट हुआ है। इसके बैक के दामन पे भी नीचे ये देख लीजिए लेस कितनी अच्छी लग रही है, इस तरह से आप चेक कर लीजिए, ये इसकी स्लेट्स आ गई हैं। फैशन पट्टी के साथ लेस है, स्लीव्स आ गई हैं, स्लीव्स चेक कर लीजिए, स्ट्रेट टू बेल इसकी स्लीव्स हैं इस तरह से। देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसके अंदर थोड़ा जो बार वगैरह लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा वो नज़र आ रहा है, काफ़ी हद तक हट गया है, बाकी भी हटाना इसको बाकी है। ठीक है जी, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक बॉर्डर आ गया है सेंटर में, फिर हमने यहाँ डिज़ाइनिंग कर दिया, देन यहाँ फिर बॉर्डर आ गया है और आगे ही लेस आ गई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। मज़ीद आप इसको एम्बेलिश भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है जनाब, ट्राउज़र दिखाती हूँ उसका, तो ट्राउज़र भी बिल्कुल प्लेन है। ठीक है जी, ये देख लीजिए, जस्ट इसमें पेंटेक्स है। इसमें मैंने चौड़ा इसका पाइजा है 8 इंच का। ठीक है जी, और बारीक सी इसके अंदर पेंटेक्स डली हुई है, 1 2 3 4 5 इसके अंदर पेंटेक्स डली हुई है। ठीक है, तकरीबन 1 1 इंच के फासले के ऊपर इसके अंदर 5 पेंटेक्स डली हुई है। नीचे हमने इसको चौड़ा चौड़ा जैसे ट्राउज़र को हम फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड कर दिया है। सिंपल ट्राउज़र है, कुछ भी नहीं है। ये आ गया इसका दुपट्टा, शिफॉन का दुपट्टा आप लोग को दिखा देती हूँ। दुपट्टा बहुत खूबसूरत है इसके साथ, देखिए जो कलर आ रहा है ना, ये मैंने सारा इसमें यूज़ करा है फैशन पट्टी के लिए। ठीक है जी, देख लीजिए, जिंक और लाइट पिस्ता टाइप का शेड है ये जो दुपट्टे में आ रहा है, क्रीम नहीं है, पिस्टेशो लाइट पिस्टेशो कलर है। ठीक है जनाब, ये इसका दुपट्टा आ गया, लेकिन दुपट्टे में मैंने कुछ भी नहीं करा, वही मैंने बोला कि कैजुअल ड्रेस है तो उसमें कस्टमर अपनी मर्ज़ी से कुछ इसमें पीको वगैरह कराना चाहेंगी जो भी करेंगी, तो बहरहाल इसमें मैंने दुपट्टे में कुछ भी नहीं किया, लेस वगैरह या कोई भी फैशन पट्टी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं लगाई है।
लेकिन ये दुपट्टा इसके साथ था तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो साथ में तो खैर मतलब बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है ओवरऑल ड्रेस। अब इसकी ओवरऑल लुक भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ओके जनाब, ये देख लीजिए ड्रेस का ओवरऑल लुक आ गया है। राउंड नेक है, उसमें पाइपिंग लगी हुई है। ठीक है जी, ये देख लीजिए स्लेट, इसके ऊपर बटन वगैरह लगा सकते हैं, सिंपल भी छोड़ सकते हैं। स्लीव्स आ गई हैं, स्लीव्स का डिज़ाइन देख लीजिए, बहुत खूबसूरत सा आगे लेस लगी हुई है। ठीक है जनाब, ये दुपट्टा आ गया है, साथ में दुपट्टा कितना खूबसूरत लग रहा है। ओवरऑल ड्रेस बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, इसके अंदर सारा ये जो ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है ना, ये बहुत डिफरेंट सा है, बहुत खूबसूरत। नफीस बहुत हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट लाइट सा इसके अंदर ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है जी, ये दामन आ गया है, दामन आप लोगों को करीब से शो कर देती हूँ। ये देख लीजिए दामन की डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है, बड़ी इन है, ट्रेंडिंग में है ये डिज़ाइनिंग। नीचे ये लेस आ गई है। ठीक है जी, इस तरह से ये चेक कर लीजिए, स्लिट्स आ गई हैं इसकी। ये देखें तो पट्टे वाला कलर मैंने इसमें सारा पाइपिंग वगैरह के लिए यूज़ किया है, आप लोग साथ रखा हुआ आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर और कोई कॉन्ट्रास्ट था नहीं, इसमें बहुत सारे कलर्स नहीं थे। ये ट्राउज़र आ गया इसका, सिंपल सा, सिंपल एंड एलिगेंट ड्रेस है ये। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.